नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 40 वर्ष के सवाल थे। खुद का घर गाड़ी बंगले के योग कब बन रहे हैं और क्या समस्या मुझे दिख रही है, बुढ़ापा कैसा जाएगा। मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा। आपने पूछा कि आपका भाग्योदय कब होगा। देखिए, आपके हाथ में अगर ध्यान से देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। देखिए, ये आपके जीवन के गोल्डन 10 साल दिखा रही है। आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका जो 40 से 50 का समय रहेगा वो बहुत गोल्डन, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत जाएगा। उसमें आप अपने जीवन का बड़ा पैसा कमा पाएंगे, यानी जो जीवन का बड़ा पैसा है वो अगले 10 साल के अंदर ही आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। आपका भाग्योदय काफ़ी मजबूत में इस रेखा भाग्य रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। तो भाग्य रेखा आपकी आने समय बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जो कि मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो किस प्रकार कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र के पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब शुक्र पर जब ये रेखा मौजूद होती है तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि शक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फायदा मिलता है। शक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से शक्ति को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वो आपके ऊपर रहेगा, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बड़ी सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, बट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट से फायदे मिलने वाले रहेंगे अच्छे खासे। ये आपके हाथ में मुझे आपके हाथ की रेखा दिखा रही है। यहाँ पर मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा बहुत अच्छी रेखा होती है, पूर्व पुण्य रेखा होती है, यानी पास्ट लाइफ के किए अच्छे कर्मास्क रेखा दिखाती है। शक्ति ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं जिसके हिसाब से आपके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। इस मंगल रेखा से आप ये समझ सकते हैं कि शक्ति को अपने फैमिली का, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने रिश्तेदारों के सपोर्ट से, अपने मित्र के सपोर्ट से, अपने जीवन साथी के सपोर्ट से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से बहुत अच्छा भाग्योदय कर पाते हैं। तो इस तरह के भी पूरे एवं अच्छे होगा आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे खासे लाभ आपको सही कार्य करके देखने को मिलने वाले रहेंगे। आपके हाथ में आपकी रेखा अच्छी एवं मजबूत हर तरीके से मुझे दिख रही है। यहाँ पर अगर आएंगे तो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके हाथ में स्कोर का साइन बन रहा है। देखिए, ये आपके हाथ में गुरु के क्षेत्र पर स्कोर का साइन है, गुरु देव बृहस्पति के क्षेत्र पर स्कोर का साइन बने, तो कहीं ना कहीं अपना घर होने का सूचक होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास अपना घर नहीं है तो अपना घर 100% और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होता है। बहुत ऐसे व्यक्ति के पास अपना घर 100% होगा तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखा जो दिखा रही है कि अपना घर आपका जरूर से जरूर होने वाला रहेगा। तो ये होगा आपका बन रहे। देखिए, एज तो नहीं बता सकते, बट हाँ, कभी ना कभी अपना घर होने का सपना जरूर पूरा होगा ऐसे व्यक्ति के पास अगर नहीं होता तो। अगर पहले से अपना घर है तो कहीं ना कहीं इसी रेखा ने अपने अच्छे प्राप्त दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो देखिए, शनि का हिस्सा दबा हुआ है, शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दब गया आपके हाथ में। देखिए, शनिदेव का क्षेत्र जब दबने लगे तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि शनिदेव की आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है कि आपको परेशानी रहेगी। देखिए, ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्या रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्ज या लोन ले सकते किसी भी, आपको नुकसान रहेगा। देखिए, सबसे पहले जब शनि के दुष्प्रभाव आते हैं व्यक्ति कर्जदार बनता है। शायद आपने इसका सवाल भी था कर्ज का, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ, ऐसे व्यक्ति का कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी कैसे भी कर्जा नहीं लेना रहेगा। अगर आप कर्जा लेते हैं तो बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, तो कर्जा लेते जितना होता बचिएगा। इसके अलावा शनिदेव के साथ साथ आपको बड़े बड़े नुकसान जा सकते हैं, तो इस तरह के योग आपका देख पा रहा हूँ। शनिदेव की सातवीं डैया में आपको ध्यान रखना रहेगा अपना। बाकी इसकी रेमेडीज दे दूंगा, रेमेडीज अगर डेली करते रहते, रेगुलर करते रहते, लगातार करते रहते शनिदेव की, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत शनिदेव को जीवन नहीं आने वाली रहेगी। तो आपको अच्छी लाभ मिलेगी अगर रेमेडीज डेली आपके द्वारा रेगुलर होती रहती है तो। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे आपका सूर्य का क्षेत्र है, सूर्यदेव आपके हमें अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर पाएंगे तो सूर्य पर एक अच्छी सी फिश टाइम भी दिख रही है। देखिए, ये फिश टाइम बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, उल्टी फिश है बट ओवरऑल फिश है। देखिए, सूर्य पर फिश साइन एक्सट्रीम सक्सेस देती है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। अगर मैं 100 हाथ देखता हूँ तो उसमें से इतनी विजिबल, इतनी क्लियर साइन मुझे कम से कम 5 से 6 हाथों में देखने को मिलती है, यानी रेयर साइन है, अच्छा साइन है। आपकी सफलता के लेवल को ये रेखा 10 गुना तक बढ़ा सकती है, इतना मजबूत साइन ही होता है। कहीं ना कहीं सूर्यदेव की सिंह कृपा को दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस साइन के और अच्छे प्रभाव मिले तो अपने पिताजी की सेवा कीजिए। सुबह सुबह उठकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए और रात को सोने से पहले पिताजी के चरण दबाइए। अपने पिता की सेवा करने से ये जो साइन है वैसे अच्छे प्रभाव तो देता ही पिता है, लेकिन इस साइन के अच्छे प्रभाव, लेकिन इस साइन का जो अच्छा प्रभाव है वो 10 गुना तक बढ़ जाता है, यानी बहुत बड़े लाभ देता है अगर पिताजी की सेवा करने लगे तो। ये तो सूर्यदेव है ही मजबूत, ऊपर से और पिता की सेवा करने से और मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आएंगे, अगर एक बार कोई पिताजी की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो अपने पितृ पूर्वजों के नाम से व्यक्ति को दान दक्षिणा निकालनी चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। बुध पर आप पाएंगे कि सीधी खड़ी रेखा काफी ज्यादा है, ये आपको व्यापारी बनाएंगे, व्यापारिक क्षमता अच्छी दे रही है, बिजनेस सेंस अच्छा दे रही है। अगर आप व्यापार करते हैं अपने नाम से तो आपको लाभ मिलेगा, अपने द्वारा की गई मेहनत व्यापार में हमेशा सफल हो जाएगी और बहुत सारे लाभ आपको व्यापार से देखने को मिलेंगे इस रेखा की वजह से। आप अगर ऐसे व्यक्ति अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज और अपनी पसंदीदा चीज पर कार्य करें, मेहनत करें, तो भी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। ये आपके हाथ का भारी मंगल है, भारी मंगल भी आपके हाथ में बहुत अच्छे, बहुत मजबूत मुझे दिख रहे हैं। देखिए, भारी मंगल क्या दिखाते हैं,
बाहरी मंगल इस बात को संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए आप जीवन में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आप बीमारी से लड़ने में सक्षम है, और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि ये बाहरी मंगल आपको आपको दबाव में सहने की क्षमता देंगे, जैसे कि संकट के समय अपने लड़कों संकट का सामना करता है, दबाव को सह लेता है। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में इस रेखा से बन रहे हैं। ओवरऑल आपके हाथ का बाहरी मंगल अच्छे हैं, मजबूत है, तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं संकट के समय ऐसे भी संकट से लड़ देता है, संकट को भुलाकर संकट से जूझकर संकट से लड़कर ऐसे भी अपना भाग्य खुद करने वाला होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में योग बन रहे हैं। चंद्र का हिस्सा अच्छा है, मजबूत है, बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में आपकी मणिबंध की रेखा है, मणिबंध की रेखा अच्छी है, मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि अगर आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जाप कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त भगवान का नाम जाप करके भाग्य में काफी अच्छा, काफी मजबूत होने वाला होता है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बन रही है, ये समझदारी की इशारा करती थी, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर शक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। ये योग भी आपके हाथ पे अच्छे खासे मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपकी पिंकी फिंगर पर ये फैलेंजेस खुले हुए हैं, ये खर्ची का स्वभाव देता है, शक्ति जितना पैसा जोड़ना चाहे उतना पैसा जोड़ नहीं पाता, जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। ये योग भी आपके हाथ में ये रेखा बना रही है। ओवरऑल ये रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बट अगर आप देखेंगे तो ये रेखा बराबर क्योंकि सेंसिटिव टेरिटरी आपको इस रेखा से देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा, हृदय रेखा आपकी ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। आपके हाथ की हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुंच रही है। देखिए बृहस्पति तक गई हृदय रेखा क्या दिखाती है, ऐसे व्यक्ति में देवदूत टाइप होता है, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, किसी का बुरा ना चाहना, ऐसे व्यक्ति के आंखों में देखा गया है। आप मान सकते हैं कि अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो आप सामने से भागकर वापस, तो आप सामने से आकर वापस करेंगे। ओवरऑल आपकी हृदय रेखा ठीक है, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो व्यक्ति अपने जीवन में मान तो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा फ्लर्टी नेचर का पाया जाता है। हृदय रेखा में बस एक दिक्कत मेरे को दिख रही है, हृदय रेखा में मुझे बस एक दिक्कत दिख रही है कि आपकी हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है, तो कहीं ना कहीं आपको बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ की हृदय रेखा मुझे कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर आपके हाथ में ये हल्की सी घूम रही है तो आपको धार्मिक बनाएगी, जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी धार्मिक बुद्धि चले जाएंगे, धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर आपके हाथ में चरम सीमा पर रहेगी। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, मजबूत है, दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। अगर आपके हाथ की जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा भी बढ़िया है आपके हाथ की, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा को ऐसे में चाहिए था। देखिए आपके हाथ में देखिए पैसे को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, भाग्य रेखा में काफी मजबूती मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो मुझे समस्या दिख रही है वो जीवन से दिख रही है, क्यों दिख रही है? देखिए मैं मानता हूँ कि जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, जीवन रेखा से महत्वपूर्ण, जीवन रेखा से बढ़िया कुछ नहीं होता। लेकिन आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है आप पाएंगे कि जीवन रेखा में दिक्कत आ रही है। देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, इसको ऐसे जाना था लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा इस प्रकार टूट गई है। देखिए टूटी हुई जीवन रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, आप खुद ही सोचिए जीवन रेखा अगर टूट जाए तो क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं दे सकती है, बड़ी बीमारी, बड़े फाइनेंशियल इश्यूज, बड़ी दिक्कत ये रेखा देती है। बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रेखा हमेशा बदलती रहती है, रेखाओं में बार बार बदलाव आते रहते हैं, जैसे व्यक्ति कर्म करेगा उस हिसाब से रेखा बदलती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी रेखा खराब है तो आगे भी खराब रहेगी। मैं आपको जीवन रेखा सही करने का, जीवन रेखा को मजबूत करने का एक मंत्र दूंगा, भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, उस मंत्र का जाप अगर करते हैं ध्यान लगा के, मन लगा के, भगवान को ध्यान करके, तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बरसी तो ये जीवन रेखा फिर से जुड़कर लंबी हो जाएगी। बट इतना को रेमेडी दे दूंगा, उस मंत्र का जाप आपको करना रहेगा, वो मंत्र का जाप आपको शिवलिंग के सामने बैठकर करना रहेगा, तभी आपको कहीं ना कहीं जीवन रेखा से छिलाफ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया, आपके पाम की हाइलाइट ये है कि शुक्र अच्छे हैं, इन्वेस्टिंग से फायदे हैं अच्छे खासे, चंद्र भी बढ़िया है, क्रॉस लगा तो कहना कि महादेव की मुक्ति रहेगी, इस तरह को महादेव का मंत्र सजेस्ट किया। भाग्य रेखा बहुत उत्तम है, 40 वर्ष में आती है, भाग्य रेखा बहुत बढ़िया हो रही है, तो मान सकते हैं कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी, पैसे से रिलेटेड तो कुछ ही चीज की भी, चाहे घर गाड़ी हो कुछ भी हो, सब कुछ खरीदने में सक्षम रहेंगे आप। आपको जो समस्या है वो क्या है, जो शरीर दबे हुए हैं, दूसरा जीवन रेखा बहुत छोटी है, ये अच्छा नहीं होता। तो आपको महादेव की भक्ति की रिगार्डिंग मंत्र दूंगा और शनिदेव के उपाय दूंगा। देखिए आप हमारे पास समय का अभाव रहता है, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें एक तो शनिदेव और हमें जीवन रेखा का मंत्र दे दीजिए, उनको सारी रेमेडी डिटेल में दे देंगे। अपना कोई रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है जो भी सब बता दीजिएगा, कोई डाउट कोई सवाल ले जाए पूछ लीजिएगा, आपकी साइड और सारी क्वारी क्लियर कर देंगे, आपको एकदम सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सहयोग आप मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जीवन रेखा आपकी छोटी है बट मंत्र करने से सुधर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।